ये है हमारे पहले जूनियर जो हर किसी की बात बड़ी आसानी से मान लेते हैं। ये है आसिफ जो कि बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं। और ये है हमारे तीसरे जूनियर जो कि किसी की भी बात नहीं मानते। और अब मिलते हैं इस कहानी के विलन से, मतलब कि सीनियर्स। ए, जा, दूसरे मुर्गे ले गया। ठीक है, अभी ले गया। ए, फर्स्ट ईयर। हाँ। तुम्हारे सीनियर से एंट्री नहीं करोगे? चलो। ये जूनियर्स, ये मुर्गावन। ये तुझे मुर्गा बनने को किसने बोला? इधर आ। तुझे मुर्गा बनने को किसने बोला? ज्यादा स्मार्ट है क्या? चल पेड़ दबा। ये शाने, तुझे अलग से इनविटेशन दूं क्या? इधर आ मुर्गा बन। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने आया था, कोई मुर्गा बनने नहीं आया, जा रहा हूँ मैं। भाई आज तो लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान कर दिया, इतनी रैगिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये तो अपने कॉलेज लाइफ का एक पार्ट है, अगले साल अपन भी करेंगे। तो कब तक, मतलब कब तक सहते रहोगे तुम ये रैगिंग? मैं तो अगले कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ इन्होंने रैगिंग करी ना, मैं तो कंप्लेंट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई करे ना करे। भाई मैं भी आ रहा हूं। भाई अपने क्लब प्लानिंग हो रही है कंप्लेंट करने की। किसमें इतनी हिम्मत आ गई? वही नया नुंडा। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई क्या हो, कहाँ ले जा रहे हो? तू कंप्लेन करेगा हमारी? हाँ। इतनी चर्बी चढ़ गई तुझे, जानता है हम कौन है? सीनियर्स हो जो रैगिंग करते हो, पर मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर हाथ भी लगाया ना, कल कंप्लेन कर दूंगा तुरंत जाके, समझे? ले लगाया हाथ, जा कंप्लेन कर। अरे भाई, अरे भाई छोड़ दो। Thank you.
सर मैं कमिंग या कमिंग प्लीज हैव सीट। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सर ये कंप्लेंट कल सर हमारे साथ रैगिंग हुई हॉस्टल में, हमारे अपने कैंपस के हॉस्टल में। हाँ यस सर। कौन कौन थे? अपने सर सारे सीनियर थे, मेरे नाम उनके लिख रखे हैं इसके अंदर। ओके कम ऑन लेट्स गो। सर इन चार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में रैगिंग की कंप्लेंट है। किसने की कंप्लेंट? सर ये दो स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के, इन्होंने कंप्लेंट। क्यों क्या हो गया पूरी बात बताओ। सर कल रात को हमारे साथ हॉस्टल में क्या, हमारे कॉलेज के अंदर रैगिंग? कौन है वो सीनियर? बुलाओ उन सबको अभी यहाँ पे इसी वक्त। आइए आइए आइए, मेरे पास तुम चारों के खिलाफ रैगिंग लेने की कंप्लेन आई। नहीं सर, हमने कोई रैगिंग नहीं की। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? रैगिंग ले रहे हो तुम लोग, कमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम सॉरी बोल रहे हो यहाँ पे? छोटी बात समझ रही है? ये देखो शक्लें, देखो क्या बना रखी है, ये इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी है, ये बाल देखो, ये तुम्हारे ये कोई कॉलेज स्टूडेंट की कोई गर्ल्स दिख रही है इसके अंदर? ये कोई तरीका है यहाँ पे कॉलेज के अंदर आकर के, और मतलब क्या कॉलेज के अंदर बात करने का, ये पढ़ाई करने का, स्टूडेंट्स के साथ में रैगिंग कर रहे हैं? पता है आपको कितने कड़े नियम बने हुए हैं इसके लिए? सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नियम है, मेरे पास लिखित में शिकायत है, मैं आई एम गोइंग टू जस्ट रेस्टिकेट यू नाउ। कितने लोगों की जान गई है? भारत के संविधान में 1670 कानून है, पर फिर भी क्राइम होते हैं, क्यों? अगर रैगिंग की ही बात करें तो रैगिंग के अगेंस्ट में ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट फिर भी रैगिंग होती है, क्यों? रैगिंग इसलिए होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने एंजॉयमेंट के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। रैगिंग इसलिए होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड करना बेटर सॉल्यूशन मानते हैं बजाय इसके कि वो रैगिंग के अगेंस्ट में लड़े। और सबसे खास बात, रैगिंग इसलिए होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सब कुछ देखते हुए और सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहते हैं। जस्ट थिंक, अगर नए नियम बना भी दिए जाए तो क्या रैगिंग रुक जाएगी? रैगिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम खुद ही से नहीं रोकेंगे, बिकॉज नथिंग विल चेंज अंटिल वी चेंज नथिंग, सो बी दैट चेंज। नाउ डिसीजन इज योर्स। या तो आप रैगिंग को चुपचाप सहना चाहते हो, या तो आप सुसाइड को हर प्रॉब्लम से बचने का इजी सॉल्यूशन मानते हो, जो कि गलत है, या फिर आप रैगिंग के खिलाफ लड़ना चाहते हो क्योंकि रैगिंग एक क्राइम है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सो प्लीज स्टॉप रैगिंग। सो प्लीज स्टॉप रैगिंग। सो प्लीज स्टॉप रैगिंग।